जय हिंद। आप देख रहे हैं बिंद पे 24। मैं आर्यन जायसवाल सभी साथियों को दिल से प्रणाम करता हूं। आज मैं बहुत बड़ी खबर लेकर के और पूरे देश के लिए एक एग्जाम्पल बनने वाले राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री, यानी जिस उदाहरण की मैं बात कर रहा हूं, उस उदाहरण के लिए पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, जो कि लगभग उनके जो ट्विटर के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हो रही है, उनके ट्विटर में जो उनके द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है उसमें लिखा है, हम सभी जानते हैं सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करें, तभी वे सेवाकाल में सुशासन के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। अतः जरूरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूं। यानी इस कथन से सीधे सीधे आशय ये है कि जितने भी सरकारी सेवाओं में कर्मचारी हैं, यानी 1 जनवरी 2004 के बाद भी जिन लोगों की नियुक्ति हुई है उनके लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की व्यवस्था की गई है। और इनके द्वारा कहा जा रहा है कि आगामी वर्ष, यानी आगामी वर्ष लगभग जो वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से होता है, और आगामी जो वर्ष है उनके द्वारा जो बताया जा रहा है कि आगामी वर्ष से पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जा रहा है। अब मैं सभी साथियों से एक चीज बताना चाहता हूं, इसे कहते हैं 56 इंची सीना। यानी लगभग जिस पेंशन योजना की आवश्यकता थी, जिस पेंशन योजना के लिए अभी तक पूरे देश में आवाजें चल रही थी, पूरे देश में आवाजें उठ रही थी, वही चीजें अशोक गहलोत की सरकार ने कैबिनेट में इतना बड़ा फैसला किया है। अब शायद सभी कर्मचारी जितने भी हैं खुश भी होंगे, और वो भी राजस्थान के। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि बाकी जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में ये चीजें देखने को नहीं मिल रही है, खासतौर में मध्य प्रदेश की बात करता हूं। डबल इंजन की सरकार होते हुए भी मध्य प्रदेश कितना पीछे जा रहा है, और मध्य प्रदेश में इस तरह की सेवाएं देखने को क्यों नहीं मिल पा रही है। आखिर इतने जितने भी कर्मचारी हैं इतने नाखुश क्यों हैं, जितने भी सरकारी विभाग है सरकारी विभागों को कहां से कहां ले जाया जा रहा है, और सरकारी विभागों के अंतर्गत किस तरीके से आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से भर्तियां की जा रही है, और उन आउटसोर्स जितने भी कर्मचारी किस तरीके से शोषण किया जा रहा है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना जो शोषण है ये शासन के द्वारा किया जा रहा है या फिर इसमें नियुक्ति जो एजेंसियां हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। लेकिन यह सच है कि आउटसोर्स में जितने भी कर्मचारी हैं ये लोग शोषित हो रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश शासन से भी उम्मीद करना चाहता हूं कि जिस तरीके से राजस्थान सरकार ने इतनी बढ़िया व्यवस्था, सुदृढ़ व्यवस्था इन्होंने लागू की है, उम्मीद करता हूं मध्य प्रदेश के लिए भी आप भी कम से कम इनसे सीख लेकर के और इस तरीके का जो निर्णय है, इस तरीके का निर्णय आप भी जरूर लागू करेंगे, और आउटसोर्स की जो एजेंसियां हैं उनको भी, उनके ऊपर भी आप लगाम लगाएंगे, और उनकी जो समस्याएं हैं कम से कम ज्यादा नहीं तो समान काम समान वेतन तो लागू कर सकते हैं। अब समान कार्य समान वेतन में क्या फायदा होगा, आप दिल्ली में देख सकते हैं समान कार्य समान वेतन के हिसाब से लगभग इजाफा 6-7 हजार प्लस का इजाफा होगा। अब मैं सभी युवाओं से भी निवेदन करना चाहता हूं, मैं बार बार गुहार लगाता रहा हूं कि जो मुद्दे सही हैं, जो मुद्दे उठना चाहिए और जिस मुद्दे के लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं होता है, उसके लिए बिंद की धरती से बिंद प्रेस 24 आप सभी के लिए आगे आता रहेगा, और इसको मजबूत बनाने वाले और बिंद प्रेस 24 के कंधों को मजबूत बनाने वाले, सहारा देने वाले आप होते हैं। इसी साथ आप देख रहे हैं बिंद प्रेस 24 में आर्यन जायसवाल। जय हिंद।